गर्मी का मौसम आते ही हमें स्किन से लेकर बालों तक की समस्या होना चालू हो जाती है। दरअसल तेज़ धूप और गर्म हवा के कारण हमारे बाल रूखे और बेजान बन जाते हैं। इस मौसम में तेज़ धूप और गर्म हवा का असर बहुत ही गलत पड़ता है। मौसम के बदलाव के कारण कई तरह के बदलाव होते हैं, जिसके चलते हमें बहुत देखभाल करना होता है। आज के समय में बाल झड़ने की समस्या आम होती जा रही है। हर कोई बाल झड़ने की वजह से परेशान रहता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों में हेयर फॉल की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। अलग अलग तरीके से इनमें हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है। झड़ते बालों को रोकने के लिए हमारी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने बेहद ज़रूरी हो गए हैं, लेकिन बिजी लाइफ के चलते कोई ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधा बालों पर असर करती हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। हमें पर्याप्त न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड्स का सेवन करना होगा। इससे बालों को अच्छी मात्रा में पोषण मिलेगा और झड़ने की समस्याएं से राहत मिलेगी। आइए जानते हैं विटामिन ई में क्या क्या मौजूद होता है। विटामिन ई बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, बालों के लिए बेहद ज़रूरी भी माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें, हमें सिर्फ फूड से विटामिन ई लेना चाहिए और विटामिन ई वाले फूड से अनाज, मांस, अंडे, फल, सब्जियाँ, बादाम आदि। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी में शामिल है V1, V2, V3, B4, B5, B6, B7, B9 और B12। बी विटामिन से युक्त पदार्थों का सेवन बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। इसके लिए होलग्रेन, फलियां, केला, अंडा, दूध, मीट, पत्तेदार सब्जियां आदि का सेवन करना चाहिए। अब बात करेंगे आयरन की। एक्सपर्ट का मानना है कि बालों को झड़ने का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी होता है, जिसके चलते आयरन वाले फूड्स का सेवन करें, जैसे पालक, बीन्स, मटर, फलियां और आदि। अब बात करेंगे प्रोटीन की। पर्याप्त प्रोटीन का सेवन किया जाए तो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और साथ ही साथ उनके झड़ने और रूखे होने की समस्या भी कम हो जाती है। इसलिए प्रोटीन वाले फूड्स अंडे, नॉनवेज, पनीर, टोफू, बादाम, नट्स, दाल आदि का सेवन करना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।